So, आज हम literally एक पर बात करने वाले हैं, आपकी वेडिंग अभी अभी फिक्स हुई हो एंड आप प्लान कर रहे हो वेडिंग के लिए एंड अगर आपको फोटोग्राफी से थोड़ा सा भी लगाव हो या फिर बहुत ज्यादा भी हो तो ये वाले जो सजेशंस मैं दूंगा इस वीडियो में ये बहुत काम आएंगे ताकि आपकी वेडिंग की फोटोज एंड जो इकलौती मेमोरी रहेगी आपकी शादी की वो बेस्ट आए डेफिनेटली वेडिंग के बाद आप जैसे ही सारे बिल्स पे कर दोगे उसके बाद आपको वेडिंग के बारे में कुछ याद नहीं रहने वाला आपको याद दिलाएंगे सिर्फ ये फोटोज एंड वीडियोज तो आज की इस वीडियो में यही बताऊंगा मैं कि कैसे आपकी वेडिंग की फोटोज एंड वीडियोस बेस्ट आते हैं और उसके लिए आप लोगों को एज अ क्लाइंट एज अ कपल आप लोगों को क्या क्या चीजें करनी होगी और ये पर्टिकुलरली किसी भी फोटोग्राफर या फिर मेरे लिए नहीं बोल रहा मैं हर फोटोग्राफर चाहे दुनिया का कोई भी फोटोग्राफर हो उसको यही सब चीजें चाहिए एक वेडिंग के अंदर जो मैं आपको आज इस वीडियो में बताऊंगा जब ये वीडियो बनाने का प्लान किया था तब मुझे आइडिया नहीं था कि इतना बोरिंग लगेगा इसलिए मैंने सोचा कि अलग अलग लोकेशन पे शूट करते हैं वो क्या है कि इस वीडियो का टॉपिक कुछ ऐसा है ना तो मुझे पता नहीं चला था कि इसमें कैसा गाना यूज करूं या क्या करूं ना इसके अंदर कुछ मोन्टाजेस वगैरह दिखा सकता हूँ तो मैंने सोचा थोड़ा सा वेरिएशन यहाँ पे कर लेते हैं तो जो सबसे पहली चीज आपको करनी है वो है आपके इवेंट मैनेजर के साथ ये बात जरूर शेयर करिए कि हमें वेडिंग के और वीडियोस चाहिए। बहुत सारी चीजें होती है संगीत में एंड जो लाइटिंग यूज करते हैं लाइटिंग की जो पोजिशन होती है वो ठीक नहीं होती है कई बार एंड स्मोक और वो बैड लाइटिंग मिलकर आपके फोटोजीडियोज बहुत खराब कर देते हैं फिर एडिटिंग के अंदर उनके अंदर कॉन्ट्रास्ट बढ़ाना पड़ता है जो मैं बताऊंगा ना वो मुश्किल नहीं है अगर आप चाहो तो आप वो कर सकते हो बहुत ईजी चीज है आपको हर इवेंट से 45 मिनट्स पहले एटलीस्ट रेडी होना है ताकि आप कम से कम आधा घंटा दे पाओ और मैं ये बात ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को बता रहा हूँ अगर आप लोग आधे घंटे पहले रेडी होके शूट करवा लोगे तो एडिटिंग के अंदर वीडियो एडिटिंग या फोटो एडिटिंग के अंदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं फॉर एग्जाम्पल मैं कई कई वेडिंग्स में जाता हूँ जहाँ पर मुझे दिखता है की कपल टाइम नहीं दे पा रहे हैं बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स उसमें क्या होता है की मुझे एक पर्टिकुलर सॉन्ग दिमाग में रखना पड़ता है और उसी सॉन्ग के ऊपर वीडियो बनाना पड़ता है क्योंकि मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं होते मैं उसी से रिलेटेड शॉर्ट्स लेता हूँ एंड उसी सॉन्ग पे रख देता हूँ डेफिनेटली आउटपुट अच्छा आता है बट ऑप्शंस नहीं होते एक और चीज की अगर टाइम नहीं दोगे आप तो हम एक्सपेरिमेंट्स कैसे करेंगे फोटोग्राफर आपका एक्सपेरिमेंट कैसे करेगा एक्सपेरिमेंट नहीं करेगा तो आपका आउटपुट दुनिया से हटके कैसे आएगा डेफिनेटली आपकी जैसी वेडिंग पिक्स होती है आप इंस्टाग्राम पे सब वेडिंग पेजेस को फॉलो करते हो आप उनके फोटोज देखते हो वीडियोस देखते हो फिर आप सोचते हो कि मैं भी ऐसा करूंगा मैं भी ऐसा ही करवाऊंगा क्यों किसी को कॉपी करना है फोटोग्राफर के अंदर बहुत दिमाग होता है सिनेमाटोग्राफर के अंदर बहुत दिमाग होता है वो कुछ भी हटके ला सकता है बस उसको टाइम चाहिए बस उसको एक्सपेरिमेंट करने की फ्लेक्सिबिलिटी चाहिए और कुछ भी नहीं तीसरी चीज जो मैं एज अ वेडिंग फिल्म मेकर सोचता हूँ इज इम्पोर्टेंट जब आपके और मेरे अलावा कोई थर्ड पर्सन जब देखेगा ना तो वो उसे काफी ऐसे mesmerizing सा लगेगा बिकॉज आप कुछ बोल रहे हो एंड उसी के ऊपर वीडियो चल रहा है उसी के ऊपर गाना रिएक्ट कर रहा है उसी के ऊपर शॉर्ट्स आ रहे हैं जो आप बोल रहे हो उसी के अकॉर्डिंग वो बहुत अलग चीज हो जाती है तो मेक श्योर sure कि इंटरव्यू के लिए आप अपने फोटोग्राफर को बोले वैसे तो फोटोग्राफर आपको सामने से ही बोल देगा कि मुझे इंटरव्यू चाहिए तो दोनों ही सिचुएशन में आपको क्या करना है कि 40 45 मिनट्स दोनों को आप दोनों को ब्राइड एंड ग्रूम दोनों को अलग से रखने पड़ेंगे की मेरे इंटरव्यू के लिए टाइम है एंड ऑल्सो इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर भी करें अगर आपको फोटोग्राफर पहले ही अप्रोच करता है कि हमें इंटरव्यू लेना है तो आप उनको बोलो कि भैया प्लीज बेसिक क्वेश्चन दे दीजिए हमें जिसमें हम प्रिपेयर कर पाए लाइक like, मैं जिस भी वेडिंग में जाता हूँ मैं इंटरव्यू के लिए डेफिनेटली पहले ही व्हाट्सएप इंटरव्यू के कुछ क्वेश्चन है कर और मैं चार से पांच बेसिक क्वेश्चन भेजता हूँ फिर जब मैं इंटरव्यू के टाइम क्वेश्चन तब उन्हीं के अंदर से और क्वेश्चन निकलते, के के निकलते रहते हैं और भी क्वेश्चन निकलते रहते हैं और इंटरव्यू में बहुत सारा आपको कंटेंट मिल जाता है तो यस इंटरव्यू इज इंपोर्टेंट इट गिवस अप Important होती है, I mean, जब आप, हो, आप, हो, आप रेडी हो हो, होते हो इतना खर्चा करते हो ड्रेसेस पे एंड ऑल और अगर आप उस ड्रेस में शूट नहीं करवा रहे ना तो आई डोंट वॉन्ट टू से बट दैट इज जस्ट ऑल वेस्ट आप जो जितना भी खर्चा कर रहे हो कि मैं आज ये लहंगा पहनूंगी या मैं आज ये शेरवानी पहनूंगा वो सब वेस्ट चला जाता है अगर आपके पास अच्छे फोटोज नहीं है तो आप ड्रेसेस पे इतना वर्क करवाते हो इतनी एम्ब्रॉयडरी करवाते हो और आप शूट के लिए टाइम देते हो पांच मिनट छह मिनट कैसे दिखेगी कैसे जस्टिफाई होगी आपके वो महंगे महंगे ड्रेसेस और आज आप ब्राइड बन रहे हो आज आप ग्रूम बन रहे हो ये दिन मोस्ट प्रोबेबली वापस नहीं आता लोगों के लाइफ में तो इस दिन को इम्पोर्टेंट समझो इस दिन जो आपके शूट्स हो रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है संगीत में मत कराओ कोई बात में नहीं होता मुझे पता है बहुत हेक्टिक होता है कार्निवल में मत कराओ मत करवाओ मायरा में कोई प्रॉब्लम नहीं है बट वेडिंग डे के दिन टाइम निकालो रिसेप्शन फोटोज के टाइम पे क्या होता है कि हम चाहते हैं एक फैमिली फोटो आ जाए एंड हम चाहते हैं कि सबके भैया भाभी मम्मी पापा सबकी एक एक फ़ोटोज आ जाए बट कुछ कपल ऐसे होते हैं जो बोलते हैं भैया बाद में ले लेंगे भैया बाद में ले लेंगे अब मुझे कई कई बार दिमाग में ऐसा क्वेश्चन आता है कि क्या ये डेकोरेशन वगैरह कभी वापस होगा क्या आप लोग फिर से ब्राइड ग्रूम बनोगे नो दैट्स नेवर गोन हैपन अगेन तो फैमिली फ़ोटोज़ वगैरह जब भी आपको फोटोग्राफर इंसिस्ट कर रहा है ना वो अपने लिए नहीं कर रहा वो आपके लिए कर रहा है आपकी मेमोरीज के लिए कर रहा है चीज जो मैं बताने वाला हूं वो शायद थोड़ी मुश्किल हो बट इम्पॉसिबल नहीं है वो है सनसेट वरमाला या फिर डे लाइट वमाला मुझे पता है कि ये सुनते ही आपके दिमाग में ये क्वेश्चन आया होगा कि यार ये तो पॉसिबल ही नहीं होता इम्पॉसिबल तो बिल्कुल भी नहीं है ना और लोगों के देखो बहुत सारे मारवाड़ी जैसे हैं जिनका दिन में होता है बहुत सारे पंजाबीज हैं जिनका दिन में वरमाला होता है या फिर क्रिश्चियन वेडिंग तो पूरी ही दिन में होती है फिर उन वाली फोटोज वीडियोज को आप देखते हो अपनी वेडिंग प्लान करने से पहले और फिर आप सोचते हो कि हमें ऐसा आउटपुट मिलेगा कैसे मिलेगा डे लाइट में अगर नहीं हो रहा डे लाइट और नाइट टाइम की वरमाला एंड रिचुअल्स में दिन रात का फर्क होता है लिटरली आई एम सींग दैट दिन में आपके फोटोज फोटोजीडियोज में अलग रेंज होते हैं अलग लेवल के कलर्स होते हैं या कई कई वेडिंग्स में ये सब चीजें पॉसिबल नहीं होती रिचुअल्स बहुत ज्यादा होते हैं रिचुअल्स के बीच में ही हमें बाकी सारी चीजें भी करनी पड़ती है जिससे जो इन हाउस गेस्ट है वो खुश रहे फॉर एग्जाम्पल आप हल्दी के साथ कार्निवल करवा रहे हो एंड उसके बाद आपके और रिचुअल्स भी होते हैं आई एम टॉकिंग अबाउट मारवाड़ी स्पेसिफिकली की हल्दी के बाद जो रूम के अंदर पूजा होती है मुझे नाम तो अच्छे से पता नहीं उन पूजा के बट ये ये पूजाएं होती है है, पूजा होती है उसके बाद आप हल्दी के साथ हल्दी कार्निवल करते हो हल्दी पूल पार्टी करते हो आपको उसकी एंट्री करवानी होती है और डेफिनेटली कार्निवल एंड पूल पार्टी सब धूप में होते हैं गर्मी होती है एंड उसके बाद आप जब रूम में जाते हो आप डायरेक्टली मेकअप टेबल पे नहीं बैठ, बैठ सकते बिकॉज आप राइड हो आप सुबह से भूखे हो प्यासे हो आपका व्रत होता है तो डेफिनेटली आप हाथों हाथ जाके मेकअप टेबल पे नहीं बैठोगे आपको थोड़ा रेस्ट चाहिए एंड उसके बाद आप लेट मेकअप टेबल पे बैठते हो उतने में रात हो जाती है फिर वही रात वाली वरमाला होती है आप चाहे किस भी पूछ लो कि रात की वरमाला अच्छी क्यों होती है फिर रात की वरमाला हम क्यों करवाते हैं तो वो बोलेंगे कि जो आपके हजार पंद्रह सौ जो गेस्ट आ रहे हैं रिसेप्शन डे पे वेडिंग डे पे उनको कुछ तो ऐसा दिखाना पड़ेगा जैसे ब्राइड एंड ग्रूम इंट्रोड्यूस हो कुछ तो ऐसा धमाका करना पड़ेगा तो वरमाला उस टाइम की प्लान कर देते हैं ये डेफिनेटली इंटेंशनल होता है ये कहीं भी किसी भी रीति रिवाज में नहीं लिखा है कि आप वरमाला रात को करो या दिन में करो या कुछ भी करो कोई भी रीति रिवाज में नहीं, नहीं लिखा हुआ थोड़ा सा अगर सिस्टमेटिक चलेंगे तो हो जाएगा मैं आपको कंपेयर करके बताता हूँ बाकी सारी वेडिंग जो इवनिंग में वरमाला करवाते हैं आउटडोर वरमाला कराते हैं डे लाइट में वरमाला करवाते हैं उन लोगों की आइटनरी ये होती है कि वेडिंग डे पर सिर्फ वेडिंग होगी मीन्स हल्दी एंड वेडिंग सिर्फ ये दो ही चीजें हैं जो कि वेडिंग के अंदर और पा, तो ये सब वेडिंग के दो ही चीजें करवाए कोई पूल पार्टी बीच में मत डालिए कोई कोई और रिचुअल कोई और चीज बीच में मत डालिए रिचुअल तो डेफिनेटली होंगे उनको हम हटा नहीं सकते बट आप हल्दी के साथ कुछ भी मत डालो और हल्दी का टाइमिंग थोड़ा जल्दी कर लो मे भी थोड़ा सा बट पॉसिबल है आप हल्दी का टाइम थोड़ा जल्दी करो उसके बाद आप अपने रिचुअल्स कंप्लीट करो उसके बाद जाके डायरेक्ट मेकअप टेबल में बैठ जाओ आप वो सब एक दिन पहले वाले में करवा सकते हो आप वो सब पहले प्लान कर सकते हो डेफिनेटली नए नए आइडिया सोचिए मे बी मेहंदी पूल पार्टी करवा दीजिए या मायरा पूल पार्टी दैट वुड लुक सिली बट आप पूल कहीं और एडजस्ट कर सकते हैं और करनी भी जरूरी नहीं है और अगर है भी तो उसमें आप दोनों के प्रेजेंस ब्राइड एंड ग्रूम की प्रेजेंस इतनी जरूरी नहीं है लेट द पब्लिक एंजॉय में सकता है आप मत जाइए आप अपना काम कीजिए आप मेकअप टेबल में बैठिए जल्दी से जल्दी रेडी हुई है। और अगर ग्रूम भी पार्टिसिपेट नहीं कर रहा पुल पार्टी और के अंदर वो भी जल्दी रेडी होने जा सकता है जल्दी रेडी हो जाओ अब जैसे गुवाहाटी वाली जगह गुवाहाटी के अंदर साढ़े पांच बजे के आस पास गोल्डन आवर होते होता है जो की बेस्ट टाइम है शूट करने का चार बजे से छह बजे तक के बीच में एकदम परफेक्ट टाइमिंग शूट के लिए तो आप अगर उस टाइम तक रेडी हो जाते हो आप दोनों एक साथ अपना शूट करवा लेते हो ब्राइड एंड ग्रूम की ड्रेस में में आई एम टॉकिंग अबाउट ब्राइड एंड ग्रूम की ड्रेस में अगर आप शूट करवा लेते हो डे लाइट में उससे बेस्ट आउटपुट आप कहीं नहीं मिलेगा किसी आप चाहे दुनिया कोई भी कैमरा यूज कर लो कोई भी लाइट यूज कर लो आपको वैसी फोटोज नहीं मिलेगी जो आपको गोल्डन आवर के टाइम या फिर सनसेट के टाइम पे जो मिलती है तो हाँ मैं बोलना चाहूंगा कि अगर आप थोड़ी थोड़ी चीजें रीशेड्यूल करें ना तो मे बी ये पॉसिबल है पर आप लोग चाहो तो वर्मा को सिर्फ इन हाउस गेस्ट्स के साथ प्लान कर सकते हो उसके लिए आप क्या कर सकते हो कि जो आपके बाहर से जो गेस्ट्स आ रहे हैं उनके सामने एक रिसेप्शन पार्टी रख दो वहाँ पर कुछ 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 और धमाका कर दो लाइक कोई आ, केक कटिंग कर करवा दो या फिर एनीथिंग लाइक दैट आप समझ सकते हो आप कुछ हैवी वहाँ पर कुछ और कर सकते हो जरूरी नहीं कि वरमाला करो जस्ट प्लान अ रिसेप्शन पार्टी इंस्टेट बिकॉज इवेंचुअली वो है रिसेप्शन ही लोग आपके साथ फोटोज खिंचवाने आ रहे हैं आपसे मिलने आ रहे हैं आपको गिफ्ट देने आ रहे हैं हैं तो तो वो रिसेप्शन ही है अब जो लोग आपको एडवांटेजेस बताते रात की वरमाला के तो आप उनको डिसएडवांटेजेस भी बता दो दो मे भी उनको ये वीडियो दिखा दो, मैं बता देता हूँ रात को जब आप वरमाला करते हो तो डेफिनेटली उसमें बहुत सारी लाइट्स लगी होती है बहुत सारी चीजें लगी होती है ताकि वो चीज थोड़ी हैवी दिखे थोड़ी ग्रैंड दिखे फिर आपकी वरमाला है वरमाला के अंदर आप करते क्या हो आप माला ही तो पहना रहे हो पीछे बैकग्राउंड में गाना चल रहा है आपके आर्टिस्ट डांस कर रहे हैं तो वो जो छोटा सा प्रोसेस आप कर रहे हो थोड़ा सा ग्रैंड दिखाने के लिए इवेंट मैनेजर्स होते हैं वो पॉक का यूज करते हैं या फिर फायर फाउंटेन्स का यूज करते हैं कोल्ड फायर उसका यूज करते हैं फायर ट्रैकर्स का यूज करते हैं और कभी कभी बहुत ज्यादा हैवी भी हो जाती है चीजें बिकॉज इनमें से कुछ चीजें ना वो वेदर पे डिपेंड करती है फॉर एग्जाम्पल अगर आप सर्दियों के टाइम पे या फिर बारिश के मौसम के टाइम में अगर आप फॉग दे रहे हो तो वो फॉग सेटल डाउन नहीं होता वो फॉग ऊपर आ जाता है जब तेज हवाएं चलती है तो वो फॉग ऊपर आ जाता है ह्यूमन भी उस को नहीं देख सकती तो आई डोंट थिंक कि दुनिया में ऐसा कोई मैजिकल कैमरा है जो उस सिचुएशन में भी आपकी वरमाला दिखा दे इट इज जस्ट इम्पॉसिबल और इसमें इवेंट मैनेजर की भी कोई गलती नहीं है एक्चुअली यू गाइज आर पेइंग देम फॉर दिस उनकी कोई गलती नहीं इवेंट मैनेजर साहब को कभी नहीं बोलेंगे की वेदर खराब है इस वेदर में फॉग काम नहीं करेगा या कोल्ड पायर काम नहीं करेंगे वो आपको कभी भी ऐसा नहीं बोलेंगे बिकॉज ये उनकी ड्यूटी है जो आउटपुट उन्होंने लिख के दिया है वो सब आउटपुट उनको देना पड़ेगा ये चीजें आपको ध्यान में रखनी होगी कि यार ठंडा मौसम है इसमें फॉग अच्छा नहीं लगेगा वी शुड रिमूव दैट वी शुड डू समथिंग अबाउट दैट एच स्टूडियो ने बीस पच्चीस सालों में इतनी वेडिंग्स की है जितनी आप लोगों ने सोची भी नहीं होगी आई डोंट रिमेम्बर द एक्चुअल नंबर बट इट इज नंबर गेस सो कम तो नहीं है बहुत ज़्यादा वेडिंग्स कर ली तो हमने इसमें से 80 होती खराब होती हुई देखी है Just because of those smokes and all. Photos, videos, उस सिचुएशन में कभी भी अच्छे नहीं आ सकते चाहे कोई भी क्लिक कर रहा हो चाहे कैसी भी लाइटिंग डाल दो कुछ भी कर लो नहीं होगा आप लोग जो वेडिंग फिक्स होने के बाद और लोगों के जो वीडियोस देखते हो उनके अंदर आप लोग सिर्फ एक चीज नोटिस करो सब लाइट में होती है। नेक्स्ट आई गेस, इट इज़ बट आप जो भी डे टाइम की जो भी एंट्रीज़ होती है उसके अंदर जो आप कलर बॉम्ब से या फिर बलून से जो भी आप एंट्री करवाते हो उस टाइम पे आप लोगों ने देखा होगा कि डीजे भी बज रहा है एंड साथ, साथ में ढोल भी बज रहे हैं तो जब डीजे बज रहा है तो ढोल की क्या जरूरत है आप लोग आर्टिस्ट होते हैं इतने सारे कलर बॉम्ब होते हैं बलून होते हैं इतना कुछ होता है फिर साथ में ढोल क्यों? ढोल को मैं इसलिए मना कर रहा हूँ बिकॉज ढोल फोटोग्राफर्स के रस्ते में सबसे अजीब चीज होती है कि यार एक तो फोटोग्राफर कहीं पे मूव नहीं कर सकता बिकॉज उनकी स्टिक्स होती है ढोल वालों की वो इधर उधर लगती है हमारे गेयर्स पे लगती है तो हमें भी डर लगता है और दूसरी चीज की हम आपके साथ कुछ कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते जो भी आर्टिस्ट डांस कर रहे हैं उनके साथ कोई कोऑर्डिनेट नहीं कर सकते हम बोलते हैं आप सुन नहीं पाते बिकॉज इधर डीजे एंड इधर ढोल डीजे को एक बार को हम बोल देंगे की प्लीज थोड़ा सा वॉल्यूम डाउन कर ले ढोल की वॉल्यूम डाउन नहीं हो सकती तो हम आपके साथ कोऑर्डिनेट नहीं कर पाते और हम कोऑर्डिनेट नहीं कर पाएंगे आपको बताएंगे नहीं की आप पीछे हो आप आगे जाओ ऐसा नहीं बताएंगे तो कैसे फोटोज अच्छे आएंगे जब हम ही नहीं कर पा रहे हल्दी के अंदर ऑलरेडी बहुत सारे लोग होते हैं दो जन हल्दी लगा रहे होते हैं कुछ लोग पीछे खड़े होते हैं फ्रेंड्स एंड फैमिली होती है उस है उस टाइम पे ढोल क्यों जरूरी ना तो आप लोग खुद एक दूसरे से अच्छे से बातें करके हंसे टिटोली नहीं कर सकते आप कुछ भी नहीं कर सकते और डेफिनेटली आपके फोटोज फोटोजीडियोज पे असर आता है ढोल की वजह से क्या होता है की आप लोग जो लड़ाई कर रहे हो जो बातें कर रहे हो जो हंसी मजाक कर रहे हो वो सब ऑडियो में रिकॉर्ड नहीं होता और ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो रहा तो फिर वो मोमेंट्स कैप्चर करने का फायदा ही क्या है हम उनको बस स्लो मोशन में डाल के और आपको दे देंगे बिकॉज मोवमेंट तो मिला ही नहीं ना हमें हमें सिर्फ फेस के एक्सप्रेशन मिल गए हमें ऑडियो तो मिला ही नहीं तो वहां पर थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है ढोल का बाकी आप बारात के अंदर ढोल यूज करो एंड यू कैन डू एनीथिंग बट जो जहां पर मजा आ रहा है जहां पर सब लोग एक दूसरे से बातें कर रहे हैं मजे कर रहे हैं उस जगह पे अगर ढोल है तो आपका ऑडियो नहीं आएगा एंड आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट देर इज नो मेजिकल कैमरा और माइक्रोफोन विच कैन रिकॉर्ड ऑडियो इन दैट सिचुएशन एक पॉइंट ये भी है कि कई कई बार मैंने देखा है की जब भी हम कोई भी कैंडिड uh, मूवमेंट होते हैं लाइक like जब कोई एक लड़ाई कर रहा है कोई किसी को पूल में धक्का दे रहा है या फिर समथिंग लाइक दैट ऐसे जो फनी चीजें कर रहे हैं उस टाइम कैमरा

So thank you so much for watching. I'll see you in the next one. Bye.